जन सुराज पदयात्रा के दौरान वैशाली पहुंचे प्रशांत किशोर ने नीतीश सरकार द्वारा लाए गए बीपीएससी परीक्षा पास करने के नए नियम पर सवाल उठाते हुए कहा कि बिहार के लोग इतना भी नहीं समझ पा रहे हैं कि सरकार जो बोल रही है वो सही बोल रही है या गलत। 4 लाख शिक्षकों की परीक्षा बीपीएससी द्वारा आयोजित कराई जाएगी, लेकिन नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव को ये पता भी है कि बीपीएससी ने बिहार में अभी तक जितनी भी परीक्षाएं करवाई हैं या उनके परिणाम घोषित किए हैं उसका आंकलन करने पर देखा जा सकता है कि बीपीएससी की क्षमता साल में मात्र 12,500 अभ्यर्थियों के ही परीक्षा आयोजित करवाने की है। अभी सरकार ने कहा कि शिक्षकों की नियुक्ति के लिए बीपीएससी परीक्षा लेगा। शिक्षक कितने हैं? 4 लाख। बीपीएससी का पिछले 15 साल का आंकड़ा उठाकर देख लीजिए, बीपीएससी की जो यहाँ बिहार में कैपेसिटी है, टोटल कैपेसिटी परीक्षा लेने की और रिजल्ट निकालने की, वो पिछले 15 साल में एवरेज 12,000 की है। 12,000 से ज्यादा सब छोटा बड़ा जितना नियुक्ति कराता है बीपीएससी के लोकसभा, मतलब बिहार लोकसभा आयोग के जरिए, वो 12,500 एवरेज नियुक्ति कर सकता है। मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, बड़े नेता कह रहे हैं कि 4 लाख शिक्षकों का परीक्षा लेकर बीपीएससी कर देगा। कैसे कर देगा भाई? 4 लाख आदमी का परीक्षा लेगा कौन? उसको जांचेगा कौन? उसका रिजल्ट कौन निकालेगा? आपके पास क्षमता ही नहीं है। नमस्कार, न्यूज 22 को देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं काजल चौहान। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को समन पर कहा कि आप लोग तो जानते ही हैं कि यह लोग क्या क्या काम कर रहे हैं और किन लोगों को तंग करते हैं, ये सबको पता है। उन्होंने कहा कि केजरीवाल ने अपने इलाके में बेहतर काम किया है और शिक्षा को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर दिल्ली में कितना अच्छा काम किया गया है यह किसी से नहीं छिपा। चरण का क्या कहिएगा? जान है अपना, जहाँ मेरा जन्म हुआ, मेरा जो घर है बख्तियार, वहीं हम जा रहे हैं। तो सबका जो लेता है आइडिया तो वहीं पर लेगा, हम भी रहेंगे मौजूद, मेरे भाई वगैरह सब वहाँ मौजूद है, और जो मेरे साथ रहता है लड़का उड़का सब जाएगा, सब वहीं पर रहेंगे, हम जाएंगे सब। अरविंद केजरीवाल को समन किया गया, क्या कहिएगा उससे? आपने मुलाकात की थी दिल्ली में, उसके बाद से ही काम हो जाएगा। को समन हुआ है, अब कई राज्यों के लोग भी आकर के देखना चाहते हैं कैसा हो रहा है। हमने तो कह दिया बहुत अच्छे ढंग से, सही ढंग से पूरा काम बोलने दो, जो शुरू हो रहा है जा रहे हैं अपना जगह। सर, आपने दिल्ली में केजरीवाल साहब से मुलाकात की थी, आज उनको सीबीआई ने समन किया है, रविवार को बुलाया है, किस तरीके से देखते हैं? सब तो आप जानते ही न है कि क्या क्या काम लोगों के खिलाफ हो रहा है, लेकिन यहाँ तो बात ठीक है ना कि सब लोग पूरा अपने अपने इलाके के विकास के लिए कितना काम किया, हाँ कितना ज्यादा प्रगति है, सब कितनी इज्जत है उनकी। अब बाकी क्या होता है उस पर हम क्या बोले, वो तो अपने समय पर जवाब दे ही देंगे सब लोग, अलग चीज है, लेकिन बात है कि सब लोग एकजुट हो रहे होने की संभावना है और एकजुट होकर के बहुत अच्छे ढंग से काम होगा और वो